जीएसटी से, आपके जेब से। तो ये पैसा किसका है? आपका है। जब आपने ये जैकेट खरीदा, आपने 18% जीएसटी दी। अदानी यही जैकेट खरीदेगा, वो भी 18% देगा, जितनी आप दोगे उतनी वो देता है। तो पैसा किसका है? 73% का है, गरीब जनरल कास्ट का है। उसमें से 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने उनको दे दिए। किसानों का कितना कर्जा माफ किया? एक भी नहीं। तो मैंने सिर्फ यह बात बोली कि भैया अगर आप इनका 16 लाख करोड़ माफ कर सकते हो तो इनका भी 1 लाख करोड़ माफ कर दो। उसमें क्या मतलब, क्या बड़ी गलती है? नहीं, पार्लियामेंट में जवाब आता है, पार्लियामेंट में जवाब आता है, राहुल जी हम किसानों की आदत नहीं बिगाड़ना चाहते। अच्छा, तो किसानों की आदत नहीं बिगाड़ना चाहते मगर अदानी की आदत बिगाड़ना चाहते हो? तो मतलब किसान ने क्या गलती की? और ये किसान है कौन? ये 73% है। अब आपने देखा होगा वहां पे हरियाणा पंजाब में सड़क को ब्लॉक कर दिया है, देखा आपने? वहां पे कीले गाड़ रखी है। अब क्यों गाड़ रखी है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि किसान कह रहा है कि देखिए भैया हमें अनाज के लिए, धान के लिए मिनिमम प्राइस चाहिए, ठीक है? जैसे आप चिप्स का पैकेट खरीदते हो उस पर दाम लिखा होता है ना, आपने देखा होगा, आपने कभी ये कैमरा खरीदा उसके पीछे दाम लिखा होता है ना, कि भैया इससे कम का नहीं बेच सकते, पानी की बोतल पे होता है। तो किसान यही कह रहा है, भैया देखो सब लोगों के प्रोडक्ट पे लिखा होता है भैया इससे कम क्या नहीं बेच सकते, हमें भी दे दो, हमें भी ये मौका दे दो कि भैया हमें भी कम से कम दाम मिल जाए। नरेंद्र मोदी कहते नहीं देंगे, नहीं देंगे हम तुम्हें। अब मतलब उस क्या गलती है उसकी? वो 24 घंटा वहां काम कर रहा है, खून दे रहा है, पसीना दे रहा है, एक प्रकार से तपस्या कर रहा है, देश के लिए तपस्या कर रहा है, और आप उसको कह रहे हो नहीं भैया जो चिप्स बनाता है उसको हम सही दाम दिलवाएंगे, जो कोका कोला बेचता है उसको सही दाम दिलवाएंगे, जो फोन बेचता है उसको सही दाम दिलवाएंगे, मगर जो देश की नींव है उसको हम सही दाम नहीं देंगे, क्यों? मगर ये मुद्दे जो है ना, ये आपको मीडिया में नहीं दिखेंगे, आप देख लेना, ये बीबीसी वाले चले गए। अब राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो कैसे दिखा सकता है? अब वो क्या कहेगा आप देखें, अब जाएगा टीवी पे आप देखेंगे, अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है, और आप लोग यहां पे भूखे मर रहे हो। तो यही सच्चाई है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता था, आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से धन्यवाद।